हेलो एवरीवन, तो ये है पार्ट 3 हमारी वोकैब विद्या सीरीज का, जिसमें कि हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है डिप्सोमेनिया, क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। मतलब इसमें क्या होता है, डिप्सोमेनिया में बहुत ज़्यादा हमें अल्कोहलिक ड्रिंक पीने का मन करता है। जैसे कि इस पिक्चर में ये कोई बॉटल है जिसमें अल्कोहलिक ड्रिंक है और ये लड़का इससे चिपक गया है बुरी तरीके से। पसंद होगी तभी तो चिपक गया है इस तरीके से, मतलब इसको बहुत ज़्यादा पसंद है अल्कोहलिक ड्रिंक। तो हम कह सकते हैं डिप्सोमेनिया है इसको। तो नेक्स्ट वर्ड है डेबोनियर, का मतलब होता है, ये वर्ड हम उस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो काफ़ी चार्मिंग सा लगे, प्यारा सा लगे, कॉन्फिडेंट पर्सन हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। और आप बोल सकते हैं कि अगर कोई हमें स्टाइलिश लग रहा है, या आपकी लैंग्वेज में आजकल बहुत बोलते हैं ना कूल है, वो तो बहुत कूल लग रहा है, डैशिंग लग रहा है, या फिर स्मार्ट लग रहा है, तो हम उसके लिए ये वर्ड डेबोनियर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दो पिक्चर्स हैं, कमेंट करके बताइए मुझे आप में से इन दोनों पिक्चर्स में से आपको कौन सा डेबोनियर लग रहा है, कौन सा चार्मिंग लग रहा है, कॉन्फिडेंट आपको कौन दिखाई दे रहा है। इनके फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से ही दिख रहा है कि इनमें से स्टाइलिश, कूल, डैशिंग, क्या चार्मिंग या कॉन्फिडेंट कौन है। तो वो ज़रा बताइए, जो ये वाला पर्सन है जिसने ये, इसको मैं नाम दे देती हूँ नंबर वन और ये है नंबर टू। कमेंट में बताइए डेबोनियर कौन है, नंबर वन है या नंबर टू है। सो अब है हमारा वर्ड कैवलरी, इट मीन्स सोल्जर्स ऑन हॉर्स। जो जो हमारे सिपाही सोल्जर्स हॉर्सेस पर रहते हैं उनको हम कैवलरी कहते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। सो अब हमारा वर्ड है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट एक टाइप के डॉक्टर होते हैं जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से वन हु डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, एक डॉक्टर है, उसके सामने एक पेशेंट बैठा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है आई हैड बेटर रन सम टेस्ट्स, इट कुड बी कैंसर। क्लियर हो गया कि वो कैंसर के बारे में ही बात कर रहे हैं और जो डॉक्टर है वो ऑन्कोलॉजिस्ट है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट करता है किसका, कैंसर का। देखिए ये डॉक्टर, ये पेशेंट, और ध्यान से देखिएगा ये क्या चीज़ है। ये कुछ टूल है जिससे हम पेड़ काटते हैं, एक शार्प टूल, लेकिन ये टूल इसके सर पे रखा हुआ है। इसका अपने अंदर ही एक डीप मीनिंग है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो उसके लिए एक प्रोसेस करते हैं थेरेपी, जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। और अक्सर देखा गया है कि कीमोथेरेपी के वक्त जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से इंसान के बाल चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके भी इसीलिए ये शो किया गया है कि अब इसके बाल जाएंगे, क्योंकि अब इसका ट्रीटमेंट एक ऑन्कोलॉजिस्ट करेगा कीमोथेरेपी के थ्रू। अभी हमने बात करी ऑन्कोलॉजिस्ट के बारे में, तब मैंने आपको कीमोथेरेपी बताया था। अब अलग से भी देख लेते हैं कीमोथेरेपी, एक्चुअली में कीमोथेरेपी होता क्या है। इट इज अ प्रोसीजर जो कि हम कैंसर पेशेंट के साथ करते हैं, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन बाय केमिकल्स। इसमें क्या किया जाता है, जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है उसे केमिकल्स के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। और ये जो कीमो वर्ड है ये केमिकल को ही शो करता है। यहाँ पर अब देखिए ये एक पेशेंट है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कीमोथेरेपी में अक्सर बाल चले जाते हैं, देखिए इसके बाल ही नहीं है यहाँ पर। तो अब है वेस्पर। वेस्पर होती है इवनिंग प्रेयर इन चर्च। तो चर्च में जो शाम को प्रेयर की जाती है इवनिंग में, उसको हम वेस्पर कहते हैं। देखिए जैसे कि ये एक पिक्चर है और यहाँ चर्च दिखाया गया है, ये चर्च है और इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और प्रेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है अमैक्सोफोबिया, इसको हम मोटोफोबिया भी कह सकते हैं। ये होता फियर ऑफ राइडिंग कार
या कार में बैठ के कहीं भी जाने का डर, चाहे आप ड्राइव करना चाह रहे हो या फिर आप नॉर्मल बैठ रहे हो, ड्राइव कोई और कर रहा हो लेकिन आपको डर लगे, इसको हम अमैक्सोफोबिया या मोटोफोबिया भी कहेंगे। देखिए ये पर्सन चिल्ला रहा है कार में से निकल के, विंडो में से, और कह रहा है लेट मी आउट, क्योंकि इसको डर लग रहा है। ठीक है, ये अमैक्सोफोबिक है या मोटरफोबिक है हम कह सकते हैं इसको। ये प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम को हम कहेंगे अमैक्सोफोबिया एंड मोटरफोबिया, फियर ऑफ राइडिंग कार। तो अब है हमारा वर्ड सेंटिमोनियस, वन हु थिंक्स वन सेल्फ ऑफ सुपीरियर टू अदर, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को काफी महान समझता हो दूसरों से और हमेशा ये चीज शो करने की भी कोशिश करता है कि हम कितने महान हैं। देखिए इस पिक्चर में बारिश हो रही है, आपने नोटिस किया कि इस पिक्चर में आपको ये बूंदे दिखाई दे रही है यानी बारिश हो रही है, और इस ये जो आदमी है यही तो हमारा सेंटिमोनियस आदमी है जो खुद को महान दिखाने की कोशिश कर रहा है। टी शर्ट पर लिखवा लिया है सेव द प्लैनेट, ठीक है, जैसे इनको बहुत ज्यादा चिंता है प्लैनेट की। और अब ये गर्ल है, इसके साथ एक बेबी भी है, और इतना सारा देखिए लगेज भी है, देखिए कितने सारे लगेज है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने सारे बैग हैं इसके पास, प्लस उसके पास एक बेबी भी है। और ये उससे बोल रहा है इज योर कार जर्नी रियली नेसेसरी, मतलब कि क्या तुम्हें कार से जाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपको पता ही होगा ना कि कार से पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन से अर्थ को प्रॉब्लम होती है। टी शर्ट पर भी उसने लिखवा रखा है सेव द प्लैनेट अर्थ, लेकिन आप ही बताइए कि वो अकेली है और उसके साथ इतना सारा सामान है, उसका बच्चा भी है, बारिश हो रही है, तो इस टाइम तो उसको कार की जरूरत है ही ना। लेकिन नहीं, वो इंसान, ये जो इंसान है सेंटिमोनियस, ये फिर भी ऐसा दिखावा कर रहा है कि नहीं आपको कार से ना जाना चाहिए, आपको पैदल चल के जाना चाहिए ताकि क्या हो, हमारा अर्थ सेव हो। ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को काफी महान दिखाते हैं, तो आप भी ऐसे मत बनिए। हाँ, अगर आपका स्कूल 15 मिनट दूरी पर है, 10 मिनट की दूरी पर है, तो आप पैदल जाइए, साइकिल से जाइए, और लोगों के पास चार चार गाड़ियां होती हैं तो कोशिश करा करें वो कि वो एक साथ एक गाड़ी में बैठ के जाया करें। यहाँ आपको पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए, ना कि जहाँ जरूरत है वहां पर आप करें, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ऐसे लोग होते हैं जो दिखावा ज्यादा करते हैं, उनको हम सेंटिमोनियस करते हैं, हमेशा ये लोग अपने आप को ही महान समझते हैं। आप भी जानते होंगे ऐसे किसी ना किसी को।